आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल की हमारी ये पहली क्लास है। और इस क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, सॉरी एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबको मेरी आवाज आ रही होगी, तो जो आपके सामने एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेल खुला है ऑफिस 365 जो कि लेटेस्ट है, और इसी पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हो सकता है आप लोगों के पास ऑफिस 365 ना हो, कोई और वर्जन हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जो दिखाएंगे ऑफिस 365 में सारे चीज होंगे जो कि आपके लोअर वर्जन में थे। तो जब आप सीख रहे हैं तो अपर सीखिए, क्योंकि अभी आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं, बट मे बी आप उसको अपर वर्जन ही यूज करेंगे ना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो हमारा फाइल होता है बुक वन, इसके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, .xls, .xlsm, .xla, ऐसे एक्सटेंशन होते हैं। और एक्सटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है डेटा के ऊपर, हाँ फाइल की प्रॉपर्टी के ऊपर फर्क पड़ता है, बट डेटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटा सेव कहाँ होता है? तो डेटा सेव होता है कोई पर्टिकुलर शीट के अंदर। जी हाँ, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, इसके अंदर हमारा डेटा सेव होता है। और शीट के अंदर एक पर्टिकुलर सेल जिसका एक एड्रेस होता है, जैसे हमने कर्सर रखा, ये हमारा B4 है, बी कॉलन एम फोर नंबर रो, इसलिए B4 हुआ, यहाँ पे B4 आपको दिख रहा होगा। ऐसा एड्रेसिंग सिस्टम क्यों किया गया? कैलकुलेशन की अपडेशंस के लिए, क्योंकि तो अगर आप SQL खोले, आप Oracle खोले, Access खोले, ऐसे डेटाबेस में आपको सेल का एड्रेस नहीं होता, वो एक रो को, एक कॉलम को ही पिक करते हैं, चाहे वो पावर बी आई या टैबलू है, उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर सेल पे कैलकुलेशन नहीं होती। कैलकुलेशन होती है तो ओवरऑल कॉलम पे होती है, बट एक्सेल के अंदर में आप सभी ओवरऑल कॉलम पे भी कर सकते हैं और आप सेल पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे 20 प्लस 30 करना है, 63 करना है, तो हम इक्वल प्लेस करेंगे 25 प्लस 63 कर, एंटर मारते रिजल्ट आ जाएगा। अब इक्वल क्यों दबा? इक्वल से सिस्टम को समझता है कि इससे कोई वैल्यू नहीं, फॉर्मूला परफॉर्म होने वाला, और फिर अपना जो भी फॉर्मूला है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से उठालिए, एंटर मारिए, आपका परफॉर्म। लेकिन अभी इससे लिंक नहीं है, अगर मैं इसको 70 कर दूं तो हमारा फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने मैनुअली लिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा फॉर्मूला मेरे सेल से लिंक हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस सेल का एड्रेस को क्लिक पिक करेंगे, पिक करने के लिए जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, B4 तो प्लस C4, तो B4 प्लस C4 नहीं हुआ, B4 की वैल्यू प्लस C4 की वैल्यू, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपका 95 आ जाएगा। अब मैं 70 को अगर 50 करता हूं, तो एंटर प्रेस करते हैं, हमारा रिजल्ट अपडेट हो जाता है। तो रेफरेंस लेने का यही एक ये होता है, मकसद होता है कि आप एक्सेल के जो भी डिजाइनर है, एक्सेल के जिसने बनाया है, उसने सेल एड्रेस इसलिए दिया ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर सके। अब सेल की बात आती है, कैलकुलेशन की बात आती है, तो चलिए हम कैलकुलेशन के लिए कुछ और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटा है, मुझे इसमें हर हर जितने भी कॉलम में, एक कॉलम में डेटा है, सब पे मुझे 30 ऐड करना है। तो हमने इक्वल प्रेस किया और हमने एक A1 को सिलेक्ट किया प्लस 30, तो रिजल्ट आ गया। अब मैं A2 की जो वैल्यू 36 है, इसमें 30 ऐड करना है, तो आपको दोबारा इसको प्लस करके 30 करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला सिर्फ एक सेल में लगाना है, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, बाकियों में फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। आ गया, बाकी में फॉर्मूला खुद ब खुद आ गया। ओके, इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसे यहां पे देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। यहां देखिए, यहां पे आपका A1 प्लस 30 है, जैसे नीचे देखिएगा आपका A2 प्लस 30 आ गया,
हाँ देखिए ए थ्री प्लस 30, ए फोर प्लस 30, ए फाइव प्लस 30, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमने सिर्फ एक सेलिंग फॉर्मूला लगाया, कॉपी करके ड्रैग करके नीचे तक कर दिया, तो फॉर्मूला सब में इक्वली लग गया और सबका रेफरेंस अपने हिसाब से चेंज हो गया। अगर इमेजिन कीजिए कि आपको ऐसा ना होता तो क्या होता, एक एक सेल में जाके फॉर्मूला लगाना पड़ता। अगर आपको 10,000 रोज है तो 10,000 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता, जो कि काफी बड़ा प्रॉब्लम होता और हम नहीं लगा। अब तो यहाँ चलिए, मुझे सब में 30 जोड़ना था तो हमने कर दिया, लेकिन मान लीजिए कि D1 पे मैंने यहाँ पे 45 लिखा। 30 भी मेरा डायनेमिक है, कभी 30 होता है, कभी 40 होता है, कभी 45 होता है, तो हर बार चेंज करके कॉपी पेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक की जितनी वैल्यू है उस पे हमारा D4 का ये लग जाए, D4 प्लस हो जाए। इक्वल हमने इसको सिलेक्ट किया और प्लस यहाँ पे D1 कर दिया, रिजल्ट आ गया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ रिजल्ट गलत आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि A1 और D1 है, नीचे जब ड्रैग करेंगे तो A1 हमारा A2 हुआ तो D1 भी हमारा D2 होगा, क्योंकि कोई भी रेफरेंस जब ऊपर नीचे आगे पीछे ड्रैग करेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसका रेफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे कि आपने टॉप टू बॉटम किया तो A1 A2 हो गया तो D1 भी D2 होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि फिर मुझे दो तरीके हैं, एक तो है कि मुझे यहाँ पे 40 लिखना पड़ेगा फिर इसको ड्रैग करना पड़ेगा, जो कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। दूसरा, हम इसको अब सलूट कर देते, हम चाहते हैं कि 1 फिक्स हो, 1 चेंज ना हो, तो हमें 1 के आगे डॉलर का साइन लगा देना। क्या करना है? डॉलर का साइन, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। अब मैं नीचे जब ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि A1 हमारा A2 हुआ, क्योंकि इसमें कोई डॉलर साइन नहीं था, बट हमारा D1 हमारा D1 ही रहा, क्योंकि इसके आगे डॉलर साइन लगा हुआ। इजली मैं इसको ड्रैग कर सकता, लेकिन हमने टॉप टू बॉटम किया है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूं तो D हमारा E हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हर एड्रेस का दो पार्ट होता है, एक आपका कॉलन जो कि आपका अल्फाबेट में होता है और आपका न्यूमेरिक जो कि रो होता है। तो हमने न्यूमेरिक के आगे हमने डॉलर लगाया, मतलब कि हमने रो को फ्रीज कर दिया, तो रो हमेशा 1 ही रहेगा, बट हमने कॉलम के आगे कोई डॉलर साइन नहीं लगाया, तो कॉलम हमारा फिक्स नहीं होगा, कॉलम हर बार इंक्रीज होगा। आप चाहते हैं कॉलम भी फिक्स रहे तो आपको कॉलम के आगे भी डॉलर साइन लगाना। अब मैं जहां भी ड्रैग करूं हमारा D1 फिक्स होगा। तो ये आप सभी को डॉलर के साइन समझ में आ गया? पंकज जी, हाँ जी, रियाज जी, यस सर, और एक क्या है, सुवंती जी, श्रावंती जी, राव, अच्छा राव, चलिए राव बोलेंगे, सॉरी राव जी, समझ में आया आपको? हाँ समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया सर। चलिए अब दूसरा हम बात करते हैं, ये हमारा एज पे रहा, अब बात करते हैं थोड़ा सा हेल्प सिस्टम पे। अब जैसे कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी किसी ऑप्शन के बारे में बता चुका हूँ फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, मतलब कि ऐसा लगे कि आप भूल गए, थोड़ी सी हिंट्स मिल जाए तो आप दोबारा इसको रिकवर कर सकते हैं, क्या सर? तो उस केस में क्या करेंगे? तो जैसे मान लीजिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पता करना है, मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पता करना है, तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर्सर रखिए। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर्सर रखेंगे, नीचे देखिए आपको यहां पे इसका एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स आ गया। इसी में आप टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेल मी मोर, तो आप देखेंगे कि आपको एक्सेल हेल्प खुल के आ गया। ओके, और यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। राइट सर,
आप बोलेंगे सर जनरली हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, हेलो सॉरी सर मेरा मोडम रीस्टार्ट हो गया था और लाइट फ्लक्चुएट की थी ना सर, चलिए। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि अब यहाँ हमारे पास एक किसी भी ऑप्शन के बारे में मुझे जानना हो, जिससे मुझे पता करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो इसके बारे में पता करना है, तो कर्सर रखते हैं आपके इसके बारे में, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसके बारे में बहुत जानकारी चाहते हैं आपको तो टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ एक्सेल का हेल्प खुल के आ जाएगा, और एक्सेल हेल्प जब खुल के आएगा तो यहीं पे आप देखेंगे कि आपके आपके सामने आपका पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब जनरल लोग इसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं, राइट, तो जनरली है गूगल पे सर्च करते हैं, पर गूगल पे दी गई सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है, गूगल पे जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो गलत भी हो सकती है, राइट, क्यों, क्योंकि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग जो है अपनी आर्टिकल्स में अपने वेबसाइट में डालते हैं, इसलिए गूगल की इंफॉर्मेशन 100% फूल प्रूफ नहीं होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है कि यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के हेल्प में है, ये आपका एक एक्सेल नोट्स कर लीजिए या फिर एक्सेल यूजर इंटरफेस कर लीजिए या फिर यूजर गाइड कर लीजिए, यूजर मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी को प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका मैनुअल मिलता है ना आपको, एक तरह से मैनुअल भी समझ सकते हैं, ओके। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसी तरह से शॉर्टकट भी पता किया जा सकता है, शॉर्टकट मतलब कि किसी भी ऑप्शन को हम दो चीज से कर सकते हैं, जैसे कॉपी करना है, एक तो यहाँ कंट्रोल सी से कर सकते हैं या फिर एक इस पे क्लिक करके कर सकते हैं, तो कंट्रोल सी शॉर्टकट हो जाता है। तो जब भी हम कोई ऑप्शन यूज करते हैं, तो उसमें शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के पीछे रीजन ये होता है कि जब भी हम कोई ये करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, मान लीजिए आप पूरा काम शॉर्टकट से ही करते हो, कीबोर्ड माउस को बिल्कुल यूज नहीं करते हो, तो आपकी स्पीड 30% बढ़ने की चांसेस है, ये रिसर्च में पाया गया है, और मैं भी इसको सही समझता हूं कि आपकी स्पीड 30% जो है बढ़ जाती है। तो शॉर्टकट लिस्ट मिलेंगे कैसे, तो शॉर्टकट लिस्ट निकालने का दो तरीका है, पहला तरीका ये है कि आप उस पर कर्सर ले जाएं तो उसका शॉर्टकट पता चल जाए, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ऐसे और भी ऑप्शन है, लेकिन सब क्या एक एक करके हम उस कर्सर रख के और शॉर्टकट देखना थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि मुझे एक लिस्ट चाहिए होगा जिसमें हम अपने प्रिंट आउट लेकर लगा दें सिस्टम पे और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको देख लें, तो उसके लिए आपको यहाँ सर्च पे क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड का F1 जी है फंक्शन की का F1 प्रेस करेंगे तो आपको हेल्पफुल किया जाए। यहां भी आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, तो यहां आप शॉर्टकट सर्च करें, शॉर्टकट सर्च करने के बाद जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, यहां पे आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल एंड एमएस ऑफिस, तो ऑफिस की भी शॉर्टकट आ गए और एक्सेल के भी आ गए, तो मैं एक्सेल वाले पे क्लिक करता हूं और यहां पे सारे शॉर्टकट लिस्ट यहां पे दिए गए हैं जो शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं पहली क्लास में शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट बहुत पूछते हैं कि सर शॉर्टकट इसका क्या है उसका क्या है, और मैं ट्रूली बोलूँ मैं कि मैं शॉर्टकट बिल्कुल यूज नहीं करता, क्योंकि मैंने अगर वो शॉर्टकट अप्लाई किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मैंने कौन सा बटन यूज किया है, क्या कौन सा ऑप्शन अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी कीबोर्ड का स्क्रीन तो आपके सिस्टम पे आता नहीं, इसलिए ओके। तो ये शॉर्टकट लिस्ट आप यहां से ले लीजिएगा।
अगर स्टडी कर लीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि इसको रट्टा मार दीजिएगा और आपको याद हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, इसको यूज करना पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप पूरा काम अपना शॉर्टकट से कर रहे हैं, आप माउस बिल्कुल हाथ ही लगा रहे हैं और इस तरह से खटखट की आवाज कीबोर्ड से आ रही है, सामने वाला जो इंटरव्यू होगा वो जरूर सोचेगा कि इसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि तो जानता है कि रट्टा मारने से या जस्ट याद कर लेने से, मेमोराइज कर लेने से आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट स्पीक कमांड नहीं होगा, कमांड्स करने के लिए यूज टू होना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट यू कि आपके ऑफिशियल वर्क टाइम में कुछ ऐसे आवर्स होंगे, 2 आवर या 3 आवर, जहां पे आपके काम की डेडलाइन नहीं होगी, आपके पास काम कम होगा और उस काम की डेडलाइन नहीं होगी कि मुझे शाम तक ही भेजना है या सुबह तक भेजना है, तो ऐसे काम को आप बिल्कुल माउस के यूज के बगैर करें। शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको फ्री टाइम में या फिर कम काम वाले टाइम पे माउस का बिल्कुल यूज ना करने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो वर्क है वो इफेक्ट ना हो। तो लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि हर एक ऑप्शन के लिए शॉर्टकट नहीं है, जैसे मान लीजिए मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट बॉर्डर ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, तो जहां आप माउस बने कि माउस से जिस ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं, आप ऐसे कीबोर्ड से भी उस ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं, और ये चीज यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, जैसे आप अपना कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि आपके मेनू बार के अंदर में जो आपका मेनू बार है, मेनू बार के अंदर में आपके जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी होम है, मेनू बार है आपके जो भी रिबन है, उसमें एक करेक्टर आ गया है। एक करेक्टर क्या है? शॉर्टकट है। मुझे होम मेनू बार के अंदर जाना है तो होम मेनू बार पे आप देखिए एच है, so we press the H on keyboard, आप देखेंगे कि in the home menu bar जितने भी options हैं उस सारे के सारे activate हो गए। so I want to apply border, तो border के लिए यहाँ पे B दिया हुआ है, तो we are pressing the B on keyboard, आप यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे all border के लिए A है, so apply on the A, तो अब मुझे habit हो गया, पता चल गया कि alt H से home, B से border, A से all border। तो नेक्स्ट टाइम हम इस पे याद रख लेंगे और करेंगे ऑल्ट एच बी ए और हमारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से और भी कमांड मेनू बार में आप जा सकते हैं, राइट? तो शॉर्टकट समझ में आ गया? एनी डाउट्स? एनी राव जी, रियाज जी एंड पंकज जी, कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर सर। ओके। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस। अब मुझे पता करना है कि हाउ मेनी लिमिटेशंस, विच फीचर हैव यू व्हाट लिमिटेशंस। इसके लिए भी आप जहां पे शॉर्टकट आपने सर्च किया था F1 में, वहीं पे आप लिमिट्स को सर्च करें। लिमिट, तो यहां पे आपका एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स आ जाएंगे। वी क्लिक होया एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे हर फीचर्स का लिमिट है, जैसे ओपन वर्कबुक, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, कॉलम की हाइट, रो हाइट, कॉलम विड्थ, रो हाइट, पेज ब्रेक्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द वन सेल, कैरेक्टर इन फुटर, मैक्सिमम हिडर, एवरीथिंग आपको दिया हुआ है। अब इसको संस्कृत की श्लोक के तरह या फिर हिंदी पोएम की तरह इसको रट्टा मत करें, क्योंकि इसका ऐसा नहीं कि इसका बहुत यूज है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉलम की विड्थ ले लीजिए, कॉलम का विड्थ मतलब कि आप कितना करेक्टर, देखिए 15 है ना, 16, 17, 20, 25 आ गया, ऐसे कितने करेक्ट लंबा करेक्टर आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसका फाइनली साइज है 255 करेक्टर। अब मान लीजिए आप VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं और VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में आपको एक बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, तो VBA प्रोग्रामिंग में हम लिखेंगे रेंज DYD.columnWidth इक्वल टू एक नंबर। अब आपको बड़ा कॉलम चाहिए तो आपने क्या लिख दिया 500, तो 500 इसकी लिमिटेशन से बाहर है, तो आपको रन करते समय एरर देगा। अब उस एरर को समझ में नहीं आएगा, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो समझ जाएंगे कि ओ 255 से ज्यादा हो गया है,
कम करना है। दूसरा, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक फॉर्मूला में हम कितने नेस्टेड इफ वगैरह लगा सकते हैं, अच्छा सम इफ में कितने कंडीशन दे सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 32,767 करेक्टर, जैसे हमने सम का फॉर्मूला लगाया तो 4 करेक्टर हुआ ना, ऐसे 32,767 से ज्यादा अगर करेक्टर्स होते हैं तो आपका फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करेगा, या फिर इससे ज्यादा की करेक्टर आप एक्सेल में डाल ही नहीं सकते। तो इस समय आपको पता चल जाएगा जब बड़े बड़े फॉर्मूला लिखेंगे तो। सो कैजुअली इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। ओके राव जी, समझ में आ गया? तो लिमिटेशंस को एक बार स्टडी कर लीजिएगा, राइट? यस यस। अब लिमिटेशंस हमारा हो गया, हमने शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ ली और हमने ये भी पता कर लिया कि किस तरीके से हम डेटा डालेंगे और किस तरह से हम डेटा को यूज करेंगे। अब इसके बाद आती है हमारा सिलेक्शन मेथड। जी हाँ, सिलेक्शन मेथड, जैसे कि आप एक्सेल में कोई भी फीचर्स अप्लाई करना, आपको यू वांट टू अप्लाई द पिवट टेबल, यू वांट टू अप्लाई द फिल्टर्स, यू वांट टू कॉपी द डेटा, नीड टू सिलेक्शन। अगर आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डेटा को सिलेक्ट कैसे किया जाए, सिलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें कि माउस से सिलेक्शन कैसे हो, अगर आप चाहते हैं कि माउस से सिलेक्शन कैसे होता है, तो एक तरह कि आप यहां पे, तो मैं यहां पे स्टार्टिंग में कर्सर रखा और इसको होल्ड करते हुए नीचे की तरफ आ गया और सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं जो बोलूंगा कि मैं इस पे क्लिक किया और शिफ्ट को प्रेस किया और लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया, वह सिलेक्शन हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमने स्टार्टिंग में क्लिक किए और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में सिलेक्ट कर दिया, मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया पूरा और जल्दी भी हो गया। लेकिन कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड से एक तो शिफ्ट के साथ आप एरो की ले आके सिलेक्ट कर सकते, लेकिन आप एरो की सलाह करना चाहे तो आप इसे कर्सर मूव करना चाहते, सबसे नीचे आना चाहते, तो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की के साथ आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, राइट करेंगे तो राइट में, अप करेंगे तो अप में, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, इस तरह से कर्सर को मूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर बीच में कोई ब्लैंक हुआ, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक है, तो अब मैं ऊपर से लेके नीचे आऊंगा तो मेरा कर्सर यहीं पर रह जाएगा, ओके? तो इसका ध्यान रखिए। लेकिन मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो कर दीजिए, डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। या सिंपल आप सिंपल यहां पे कंट्रोल ए कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी आपका सिलेक्ट हो जाता है। बस एक बार कीजिएगा, अगर आपने दो बार कंट्रोल ए कर दिया तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। सो आप एक बार कंट्रोल ए करें, लेकिन कंट्रोल एक करते समय ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई पूरा का पूरा रो या कोई पूरा का पूरा कॉलम ब्लैंक हुआ तो सिलेक्शन आपका पूरा नहीं होगा, इतना ही होगा। हाँ, मैंने पूरा के पूरा रो की बात की है, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ लिखा हुआ है तो फिर आपका पूरा सिलेक्शन होगा। तो कंप्लीटली रो अगर ब्लैंक है तो आप कंट्रोल एक समय ध्यान एक करते समय ध्यान दे दीजिएगा कि कैसे कोई ब्लैंक तो नहीं है। और कंट्रोल ए की एक और दिक्कत है कि अगर मैंने मान लीजिए इस तरह से फालतू कुछ लिख रखा है तो कंट्रोल ए उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ही आप किसी भी तरह का फीचर अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन में एक चीज और आते हैं, मल्टी सेल सिलेक्शन। कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा ना चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके आप जहां क्लिक करेंगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको फॉर्मेटिंग बड़ा अप्लाई करनी है तो आप बेशक इस तरह से सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए मुझे इसका डेटा कॉपी करना है, एक चीज ध्यान रखिए, जैसे नेम को सिलेक्ट किया हमने, जैन को, 2 जैन को एंड 4 जैन को, तो नीचे हमने मान लीजिए कविता को सिलेक्ट किया तो यहां भी सेम 2 जैन एंड 4 जैन सिलेक्ट होना चाहिए, तभी आप डेटा को कॉपी कर पाएंगे और जहां रखना है वहां रखेंगे और सीक्वेंस में आप पाएंगे। लेकिन गलती से आपने
ऊपर जैसे मैंने मान लीजिए कि 1, 3 and 5 को सिलेक्ट कर लिया, वन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको ज्यादा सिलेक्ट कर, अब एक कॉपी नहीं है तो सिक्वेंसली है तो कॉपी होगा। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया और हमने मान लीजिए कंट्रोल के साथ नीचे वाले को सिलेक्ट कर लिया, तो नीचे वाला अगर हमने मान लीजिए ई तक सिलेक्शन किया तो कॉपी नहीं होगा, एक्सेप्ट होना चाहिए। और सेम यहाँ अगर इधर भी यहां भी किया तो मुझे यहां भी सिलेक्शन करना होगा तभी हम इसको कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करते समय इसका ध्यान आप रखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट? Yes. पंकज जी, राव जी या रियाज जी को दिक्कत? हाँ सर ठीक है। रियाज जी कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका सिलेक्शन मेथड था, यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। Yes, sir. अब बात करते हैं आगे क्लासेस की तरफ कैसे बढ़े। तो जैसे कि हम आपको मेनू के बारे में हिसाब से, ये तो जो थी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए था वो हमने बताया। अब जो हम अपना कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे वो हम मेनू बार से करेंगे, राइट? हम बात करेंगे कल फाइल मेनू बार के ऊपर, फाइल मेनू बार हम कल डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, इनके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कशन करेंगे। फिर फाइल मेनू बार खत्म होगा उसके बाद फिर हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और मेनू बार को पढ़े। तो मेनू बार के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पता ही होगा कि आपको पता होगा कि आपका कोर्स कहाँ तक पहुंचा है और आप कल क्या पढ़ने वाले हैं और आज क्या पढ़े थे। ये सही रहेगा पढ़ने का। अब मैं अगर बीच बीच से पढ़ा दूं, कुछ होम से पढ़ा दूं, कुछ पेज लेआउट से पढ़ा दूं, कुछ रिव्यू से पढ़ा दूं, व्यू से पढ़ा दूं, तो वो आपको कंफ्यूजन होगी कि आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। दूसरी चीज, आपको कोई डाउट हो, अगर आपको अगर क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे उसी समय पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास क्वेश्चन इस टॉपिक के अलावा या कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है तो उसको आप क्लास स्टार्ट होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद मुझसे पूछें, राइट सर?